दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज एक जुपिटर का इंजन खुला हुआ है, तो मैंने जो है इसके अंदर रिंग पिस्टन डाले हैं। तो यहाँ पर जब इतनी फिटिंग हो चुकी है तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी टाइमिंग करने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने लड़के लोगों से पूछा कि जैसे कि ये अब जैसे कि टीवीएस जुपिटर है हमारे पास, तो सब में जो है ये अलग अलग तरीके की जो होती है ये गरारी होती है, ठीक है। यहाँ पर इसमें किसी पर डॉट होता है, किसी पर ये सिर्फ दो लाइनें होती हैं, और उसके टाइमिंग को हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने जब इनको पूछा कि आप इसका टाइमिंग किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए कि इसका टाइमिंग जो है हम किस तरीके से करें। तो यहाँ पर बहुत सारे जो मैकेनिक भाई हैं जो तकरीबन नए काम सीख रहे हैं इसको देखकर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको इसमें ये बताऊंगा जो हमारे टीवीएस जुपिटर होती है इसके टाइमिंग को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी सबसे पहले केम होती है यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो यहाँ पर ये अपने आप वहीं पर रुक जाती है जहां पर ये इसका जो है न्यूट्रल पोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं इसको घुमा रहा हूं तो यहाँ पर ये एकदम से वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो होता क्या भाई, ये तो इसका जो यहाँ पर फेस है, यहाँ पर देखिए आप, ये इसका बिल्कुल बराबर फेस है, ठीक है, जहां पर ये रोकर आर्म ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका ये जो रोकर आर्म वाला सिस्टम है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो फेस है इसका, यहाँ पर हमारी केम जो है ये न्यूट्रल होती है। किसी भी केम को लगा लो आप, मैं आपको यमा एफजी की देखिए दिखाता हूँ केम जो हमारे पास यहाँ पर यमा एफजी भी खुली हुई है। केम देना भाई, इसकी केम देना, इधर पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो इसका बराबर का फेस होता है तो ये इसका न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप किसी भी केम को देख लेना, ये आपको बिल्कुल बराबर फेस जहां भी मिलेंगे ये इसका न्यूट्रल पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। आप इसे अंदाजा लगा लेना कि ये जो है इसका न्यूट्रल पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए वहां लग तो ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, आपने जैसे कि ये गरारी जो होती है इसको देखा होगा, यहाँ पर एक डॉट होता है जैसे कि बजाज वाली बाइक्स में, यहाँ पर सिर्फ आपको डॉट मिलता है, ठीक है। और जो न्यू बजाज की जो बाइक्स आ रही हैं उनमें यहाँ पर आपको दो लाइनें देखने को मिलती है, एक ये और एक ये, ठीक है। और एक शायद डॉट भी आपको देखने को मिल सकता है, और या फिर वहां पर टी का मार्क होता है। तो यहाँ पर इतनी बात तो ठीक है, एक डॉट वाली और दो ये आमने सामने लाइनों वाली, लेकिन इसमें यहाँ भी लाइनें हैं और यहाँ भी लाइनें हैं। तो यहाँ पर इसके टाइमिंग को आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जब हम टाइमिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ भाइयों को जो है यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि अगर हमसे यहाँ पर टाइमिंग उल्टा हो गया तो ऐसे में जो होते हैं हमारे वाल वगैरह जो होते हैं वो बैंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके टाइमिंग को देखकर थोड़ा यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा इसमें किस तरीके से आपने इसके टाइमिंग को करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो हमारा फेस होता है जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये अपने आप यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल इसका जो ऊपर का ये फेस है, ठीक है, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये बराबर का इसका फेस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर ये एक इसमें पिन डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा इसमें होल है, ये इस गरारी को रोक के रखती है जिससे हमारे यहाँ पर जो बोल्ट लगे होते हैं वो लूज ना हो, ठीक है। तो अब आपने इसके टाइमिंग को करना कैसे है? तो यहाँ पर देखिए, अगर तो मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर ये जो लड़के लोग थे यहाँ पर थोड़ा परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पर ये अगर इसके हिसाब से हम टाइमिंग करते हैं ऐसे, ठीक है, तो आमने सामने लाइनें आ गई और ऊपर ये डॉट हो गया, तो यहाँ के हिसाब से भाई इसका टाइमिंग ये आउट होता है, गलत होता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसको करता हूँ तो ये इसका यहाँ पर देखिए पिन है, ठीक है, तो ये पिन जो है ऊपर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या, ये केम भी ऊपर घूम जाएगी, तो इसके रोकर जो है ये जो हमारे रोकर आर्म होते हैं यहाँ पर ये अप डाउन हो जाएंगे जिससे हमारा टाइमिंग जो है आउट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक की बात इतनी हुई। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इसमें जो है दो लाइनें यहाँ पर हैं और दो ये इस साइड में है। तो यहाँ पर अब इसको हम करें कैसे इसके टाइमिंग को? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ। जो आपके पास पुरानी जुपिटर वगैरह होगी, ठीक है, पुराने वाली, ये तकरीबन जैसे कि ये 2017 मॉडल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये दो पॉइंट अलग से जुड़ गए हैं एक्सल, ठीक है, यहाँ पर। और जो पुराना मॉडल है, पुराने मॉडल में भाई आपको जो है सिर्फ ये जो दो लाइनें आप देख सकते हैं ना, ये आमने सामने बड़ी वाली, यही देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर। ये इसमें जो है नए मॉडल में कंफ्यूज करने के लिए मैकेनिक भाइयों को थोड़ा बहुत यहाँ पर ये जो है इसकी लाइनों को दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने इसके टाइमिंग को करना कैसे है? तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसके टाइमिंग को करते हैं, सबसे पहले ये केम हमारी यहाँ पर न्यूट्रल हो गई,
ठीक है, और उसके बाद ये जो है जो पिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों जो इसके होल हैं जहाँ पर ये बोल्ट लगेंगे ये थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया और ये ऊपर नीचे आ गए, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ भाई, तो यहाँ पर ये हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा टाइमिंग कहाँ पर बनेगा, तो हमारा टाइमिंग बनेगा भाई यहाँ पर, ये ऐसे देखिए, ये हमारा टाइमिंग ऐसे बन गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आमने सामने दो लाइनें आ गई इस फेस के यहाँ पर, जैसे कि हम दूसरी वाली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो डॉट होता है ये इस फेस के सामने आ जाएगा, ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये फेस अपने आप आ जाएगा, थोड़ा बहुत जो है जैसे कि बैलेंसर होता है वो थोड़ा बहुत बिल्कुल बराबर तो नहीं होता, जैसे कि हमारी पल्सर बाइक का ही बैलेंसर होता है जो सीजर गियर के पास लगता है, तो वहां पर वो जो है इसी तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। तो उसको हम जहां पर वो लाइन लगी होती है उसके हिसाब से यहां पर ऐसे सेट करते हैं, तो इसको थोड़ा हम इधर करेंगे, तो यहां पर ये इसके हिसाब से यहां पर भाई टाइमिंग आ जाता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, तो यहां पर ये जो आप एक्सल को भूल जाना, यहां पर जो ये एक्सल लिखा हुआ है दोनों साइड में, तो ये इसका मेन पॉइंट होता है भाई यहां पर, देखिए, ठीक है। अब मैं यहां पर दिखा दूं आपको जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट हमारा यहां पर रहेगा, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ये कैसे पता लगेगा, तो यहां पर देखिए जो हमारा पिस्टन है ये टॉप पर है, ठीक है, मैंने इसके अंदर जो है 25 नंबर का पिस्टन बोर कराया है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा बहुत अप डाउन करूंगा तो ये हमारा पिस्टन अप डाउन होगा, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये हमारी क्रैंक जो है बिल्कुल टॉप पोजिशन पर है, ठीक है, यहां पर। तो इतना काम हो गया, तो अब इसके बाद देखिए ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ये आ जाएगी। अब मैं इसका टाइमिंग आपको करके दिखाता हूँ, वैसे तो चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, टाइमिंग तो आप कर लेना कोई बात नहीं भाई। तो मैंने जो है आपको इसमें ये थोड़ी जानकारी देनी थी कि आप यहाँ पर जो है इस तरीके से इसके टाइमिंग को कर सकते हैं। ये हमारी केम है, ये हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये आमने सामने आ जाएंगे, थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत इधर उधर रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से आएगा भाई, आप इसके चक्कर में मत रहना, ये डॉट के, ये डॉट जहां तक आपने देखा होगा ये ऊपर की तरफ ही जाता है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैकेनिक भाइयों को जो है यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये एक्सल यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर एक्सल ये आपको सीधा दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ये एक्सल बिल्कुल ऐसे सीधा, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर हाँ भाई ये एक्सल बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, तो इसका टाइमिंग आप ऐसे कर दो। तो यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, थोड़े बहुत जो अनजान होते हैं भाई देखिए, तो वो ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे में जब वो फिर इसकी फिटिंग करते हैं और जब वो इसको स्टार्ट करते हैं किक से या सर्फ से, तो उसके वाल्व वगैरह जो होते हैं भाई वो बैंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भाइयों को जो है उसका नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ये ध्यान रखें, इसमें ये गलती ना करें। यहाँ पर ये जो इसका टाइमिंग होता है भाई ये इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सल जो है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका टाइमिंग करते वक्त यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा और ये डॉट ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ जो दो है यहाँ पर, ये पुरानी जो आपके पास जुपिटर वगैरह होगी या जैसे कि स्टार वगैरह होगी उनके अंदर आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, ये असली जेन्युइन यहाँ पर टाइमिंग है, ठीक है, कंपनी का। और ये जो होता है यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके अंदर एक छोटी सी जानकारी थी, जानकारी छोटी थी लेकिन दोस्तों इसका जो है बहुत बड़ा महत्व होता है टाइमिंग का हमारी बाइक के लिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी एक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।